तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन के वे प्रोटीन एंड वे आइसोलेट का रिव्यू करने वाला हूँ। आपको ये चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, और इस ब्रांड की क्या कहानी है, मतलब बोल सकते हो आप इस ब्रांड कहाँ से आए, इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ने वाला है और आप कहाँ से ले सकते हो। मैंने एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन एंड वे आइसोलेट दोनों कंज्यूम किया है, दोनों मतलब आइसोलेट आधा कंज्यूम कर चुका हूँ मैं, आधा भी बचा है। तो मेरे को लगा ये मतलब मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में अब रिव्यू कर सकता हूँ इतना कंज्यूम करने के बाद। तो जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था या वीडियो का कंटेंट तैयार कर रहा था, तो मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर इस पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर बहुत छानबीन करी, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो अमूमन कोई इंसान नहीं देखता है, या ब्रांड बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या चीज़ें थी कि मेरे को डिसअपॉइंटमेंट लगा। कंज्यूम करते टाइम या लेबल देखते टाइम मैंने इतनी ये सारी चीज़ें नोट नहीं करी, पर जब स्पेशली मैं वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में लगी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। शायद मेरी रिसर्च कम हो सकती है या ख़राब हो सकती है। अगर आपको कुछ भी सजेशन या रिव्यू आपको लगता है कि नहीं ये गलत है ये सही है, तो आप फील फ्री टू कमेंट, मतलब आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को कि कौन सी चीज़ पे मैं गलत हूँ और आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ब्रांड है ये एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन है। आपने संग्राम चौगले का नाम मुझे लगता है सबने ही सुना होगा। इंडियन बॉडी बिल्डिंग को कोई फॉलो करता है तो संग्राम चौगले का बहुत बड़ा नाम है। तो संग्राम चौगले की वजह से ही ये ब्रांड इतना मुझे जो लगता है पॉपुलर हुआ है। मेरी नज़र में भी संग्राम चौगले की वजह से ही ये ब्रांड आया। अगर आप उनकी इंस्टा प्रोफाइल देखोगे तो आपको एब्सोल्यूट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट वहाँ देखने को मिलेंगे। इनके ब्रांड मतलब इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें संग्राम चौगले की फ़ोटो बहुत ज़रूरी से आपको देखने को मिलेगी। इनके साथ एक मतलब एक कूपन सा आता है, गोल सा कुछ बोल सकते हो आप, एक प्रमोशनल आइटम देते हैं जिसमें ये लोग संग्राम चौगले की फ़ोटो लगाते हैं। तो संग्राम चौगले एक फेस है इस पर्टिकुलर ब्रांड का। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो हैं वो आपको शॉप्स में बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन इनका मार्केट उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, इनके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड 2013 में इंडिया के अंदर आया था, इंडिया के अंदर मतलब इन लोगों ने स्टार्ट किया था। और अगर मैं बात करूँ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इनके प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है। वे है, प्री वर्कआउट है, और क्या बोलते मास गेनर, वेट गेनर, ये सारी चीज़ें हैं। आप इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हो कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं वो वे आइसोलेट और वे प्रोटीन है, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर देते हैं वे प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन में मुझे उतनी हैरानी नहीं लगी जितनी आइसोलेट में लगी, तो फिर भी मैं आपको वे प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। इनका जो वे प्रोटीन है 2 kg का है, इसमें समवेयर अराउंड 60+ सर्विंग है, जो ठीक है 2 kg के हिसाब से। इनका पर सर्विंग साइज 33 grams है। अगर आपने मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू, प्रोटीन पर्टिकुलर प्रोटीन को लेकर रिव्यूज़ की वीडियोस देखी हैं, तो उसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपने प्रोडक्ट को, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे लगता है अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे 33 grams का स्कूप है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर ये 33 grams पूरा का पूरा इन लोगों ने मेंशन कराया है या नहीं करा है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा 25 grams ऑफ प्रोटीन, मतलब 25 grams मतलब 8 grams अभी बचा है इन लोगों के पास, जिसमें 2.8 grams का इन्होंने कार्ब्स मेंशन करा है, डाइट्री फाइबर 0.66, 0.33, फ्रुक्टोज फैट करा है 0.66। इसमें अभी भी इनकी मुझे नहीं लगता है पूरा 33 grams है, तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू स्किप करी है, जैसे बोल सकते हो आप 3, 4, 4.5। इन्होंने समवेयर अराउंड 3 to 4 grams यहाँ पे मिसिंग है जो इन्होंने नहीं दे रखा है। इन्होंने अमीनो एसिड का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छे से दे रखा है, आप वो भी देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा लेबल में लगाऊँ या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँ जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इन लोगों ने मेंशन करा है ग्लूटामाइन एंड टॉरिन, 25 grams ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग, 0% शुगर नहीं है, और ये बोलते हैं डाइजेशन के हेल्प के लिए इन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें। ये तो मैं लेबल की बात करता हूँ, इसके बाद मैं आइसोलेट की बात करता हूँ। एक चीज़ जो भी मैंने इसमें छोड़ी है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं आइसोलेट के बारे में बात कर लेता हूँ। आइसोलेट में भी वो 66+ सर्विंग है, 2 kg का ये बॉक्स है, और क्या बोलते हैं 30 grams का एक स्कूप है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 24.75 grams का इन लोगों ने प्रोटीन वे आइसोलेट इसमें इंक्लूड करा है। उसके बाद इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स में लिखा है नेग्लिजिबल। अब मुझे नहीं पता इनका नेग्लिजिबल अमाउंट क्या है, 0.00 है, 0.01 है, या 9 point है, मतलब नेग्लिजिबल यहाँ पे हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से नेग्लिजिबल का मतलब क्या है। उसके बाद इन्होंने नीचे कुछ भी मेंशन नहीं करा है, मतलब ऐसा कुछ फैट्स में 0 है, शुगर में, एमलाइस, पेपेन, ये सब कुछ लिखा है, पर ये भी 1 gram का स्कूप नहीं बन रहा है।
उसके बाद इन्होंने इसकी भी अमीनो प्रोफाइल है जो काफ़ी अच्छे से मेंशन करी है, मतलब आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इन लोगों ने इसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वही चीज़ लिखी है 0% शुगर है और ग्लूटन फ्री है। ये फ्लेवर जो है पर्टिकुलर चॉकलेट फ्लेवर है, ये वनीला फ्लेवर है। तो फ्लेवर की बात करूँ तो डिसेंट है, मतलब इंडियन फ्लेवर से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल फ्लेवर, डिसेंट है, मतलब एक इंडियन ब्रांड के हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की इसके प्राइसिंग की। इसकी प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग के बारे में अगर देखें तो आपको जो वी आइसोलेटेड 2 kg अगर आप ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हो तो 35-40% डिस्काउंट में मिल जाता है बहुत इजीली। अगर आप काफ़ी टाइम से, मतलब आपका कनेक्शन अच्छा है पर्टिकुलर स्टोर वाले से, तो आपको 41 के आसपास वे आइसोलेट मिल सकता है, 3500 के आसपास वे प्रोटीन मिल सकता है। तो मेरे पास भी ये, मतलब लोकल किसी स्टोर से ही आया है, मैंने पर्टिकुलरली ये जो प्रोडक्ट है ऑल अबाउट फिटनेस की वेबसाइट से लिया है जो हमारे आसपास ही है, आप भी वहाँ से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अब आती है मेन चीज़, मतलब जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। सबसे मेन चीज़ मेरे डिसअपॉइंटमेंट का है वो है जो आइसोलेट है, आइसोलेट में इन्होंने वैल्यूज़ मेंशन नहीं करी है, नेग्लिजिबल जैसी चीज़ इंक्लूड करी है। आप वे प्रोटीन में भी मैंने आपके आगे दिखा दिया, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे मेन चीज़ की, अगर आप वे प्रोटीन की बात कर रहे हो तो उसमें, मतलब डब्बे के अंदर क्या सामान है, कहाँ से आया, ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब काफ़ी सारे आपने रिव्यूज़ देखे हैं जिसमें बताया जाता है, या बहुत सारे ब्रांड है जो बताते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं, यहाँ से सोर्स करते हैं, अपना रॉ मटेरियल यहाँ से सोर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो जब हम इस पर्टिकुलर ब्रांड का बॉक्स चेक करते हैं, इनकी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि ये क्या डालते हैं, तो उन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पर करी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटिंग बाय। मैं इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। मैन्युफैक्चर्ड बाय होता है मतलब जो पर्टिकुलर ब्रांड इस चीज़ को बना रहा है, मार्केटेड बाय मतलब जो इसको मार्केट में लेके आ रहा है, मतलब मार्केटेड मतलब जिस नाम से बिक रहा है, जिसके बेसिस पे लेबलिंग हो रही है, अंदर जो सामान है वो मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब जिसने मैन्युफैक्चर किया। तो ये दोनों कंपनीज या दोनों अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, और दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, मार्केटेड बाय तो एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन है, मतलब इसकी जो मार्केटिंग कर रहा है वो एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन कर रहा है। पर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, वो ये आ जाता है कि इन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यूट्रीवेल लैबोरेटरीज़। अब बहुत सोचने की बात है कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कौन सा अलग सा ब्रांड ये एकदम से लेके आ गए, मतलब कहाँ से ये चीज़ आ गई कि ये न्यूट्रीवेल लैबोरेटरीज़ क्या चीज़ है। तो मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या रिसर्च करी है। मैं दोनों की वेबसाइट पे गया हूँ, सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन की वेबसाइट पे गया हूँ, सिर्फ मेरे को एक ही जगह पे ये चीज़ देखने को मिली है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, वो है इसका बॉक्स। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओगे, वहाँ पे इन लोगों ने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि ये मैन्युफैक्चर कर कौन रहा है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और कोई डिटेल मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लोगों ने नहीं बताई है। स्पेशली अगर सिर्फ आप बॉक्स देखोगे तो सिर्फ बॉक्स में ही वो डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मेरे को रिव्यू करना था तो मैं इस चीज़ में थोड़ा और घुसा, तो मैं क्या करा, न्यूट्रीवेल जो लैबोरेटरीज है, लैब है, इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट खोली। जब मैंने इनकी वेबसाइट खोली, पहली बात तो दोनों की वेबसाइट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट मतलब एक सेलर जो है 2 कंडीशन में बनाता है, एक तो या तो उसको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, मतलब वो नया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, या तो ये बोल सकते हैं कि वो अपने कस्टमर को मैनिपुलेट करना चाहता है, इसलिए क्या करता है, घुमाता है बहुत सारी चीज़ों को। तब मुझे नहीं पता, इन दोनों में से मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है इन दोनों पर्टिकुलर वेबसाइट ने। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब मैं एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन की वेबसाइट पे गया तो मैंने उनकी वेबसाइट पे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मतलब उन्होंने हर जगह पे ये मेंशन करा है इंडियाज लीडिंग ब्रांड, अपने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट हैं उसके बारे में, पर जो ट्रस्टेबल ब्रांड ये सारी चीज़ें वो बहुत मेंशन कर रखी है उन्होंने अपनी वेबसाइट में, पर कहीं पर भी ट्रस्ट के लिए उन्होंने ये नहीं बता रखा है कि ये हम अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं। वो तो मेरे को न्यूट्रीवेल के बारे में भी, इनके बॉक्स के बारे में, अगर मैं ऑनलाइन ले रहा होता या मतलब वैसे ले रहा होता इनडायरेक्टली, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चलती। वो तो मेरे हाथ में बॉक्स था जहाँ पे मैंने पढ़ने की कोशिश करी कि ये रॉ मटेरियल इसका आ तो आ कौन सा रहा है, तब मुझे पता चला न्यूट्रीवेल के बारे में। तो जब मैंने न्यूट्रीवेल की वेबसाइट खोली तो ये भी इन्हीं के भाई थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी अपनी तारीफ करी हुई है पूरी वेबसाइट में। आप वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर आपको हर जगह पर मिलेगी कि हम ट्रस्टेबल हैं, हम इस लैब से सर्टिफाइड करवाते हैं, हम उस लैब से करवाते हैं, हम फसाई के हिसाब से चलते हैं, हम ये ब्रांड को अपना प्रोडक्ट देते हैं। तो न्यूट्रीवेल मेनली क्या है, न्यूट्रीवेल एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, आपको दे देती है। इस पर्टिकुलर ब्रांड से आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप भी अपना कोई प्रोटीन का ब्रांड मंगा सकते हो, मतलब बॉक्स अपना लेके जा सकते हो और बोल सकते हो इसमें अपना प्रोटीन भर दो। जब वो अपना प्रोटीन भरेंगे तो बाहर से आप लेबल लगा सकते हो किसका, अपने ब्रांड का। उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्रोसेस होता है, पर बेसिक जो क्राइटेरिया, बेसिक जो फ्लो होता है वो ऐसे ही होता है कि आप क्या करोगे, अपना डब्बा लेके जाओगे और उन्हें बोलोगे इसमें भर दो।
मतलब सिंपली भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है। एब्सोल्यूट वाला अपना डब्बा लेके गए हैं और उन्होंने क्या करा है, उसमें अपना प्रोटीन भर दिया है। पर जब क्या चीज़ भरी है ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं। जब मैंने एब्सोल्यूट की वेबसाइट खोली तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि इन्होंने लिखा हुआ था रॉ मटेरियल। एक तो इनकी वेबसाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने वो लाइन एक दिन पहले पढ़ी थी, दूसरे दिन मैं ढूंढता ही रह गया, मुझे वो लाइन नहीं मिली। होप जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी। मैं रेफरेंस के लिए लिंक डालूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, क्या पता आपको मिल जाए। पहली बारी में तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से किसी को भी मिलने वाला है। तो इन्होंने लिखा है हम अपना रॉ मटेरियल जो है वो USA से इंपोर्ट करते हैं। पर जब मैं न्यूट्रीवेल की वेबसाइट में गया तो वहाँ पे मैंने मेरे को एक नज़र पड़ी थी, वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, पर होप अगर मेरे को वीडियो एडिट करते टाइम ये चीज़ मिले या नहीं मिले। उन्होंने अपने वेबसाइट का थोड़ा जो डिज़ाइन है वो चेंज किया तो उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हुई। तो इन्होंने जो मेंशन करा था, जो मेरे को उस टाइम पे नोट हुआ था, अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं अभी से बोलूँगा कि शायद मेरी रिसर्च में कुछ कमी रहेगी। पर जब मैंने चेक किया था तब मेरे को जर्मनी मिला था। तो जर्मनी और USA दो अलग अलग कंट्री हैं, दोनों के बेसिस पे ये कह रहा है, एक कह रहा है मैं अपना रॉ मटेरियल USA से ला रहा हूँ, एक कह रहा है जर्मनी से ला रहा हूँ। तो हम किसकी बात पे यकीन करें पहले तो ये बात। जो न्यूट्रीवेल है ये बहुत सारे कंपनीज़ के लिए अपना प्रोडक्ट बनाता है। गिबॉन एक काफ़ी चल रही है आजकल इंडिया में, उसके लिए भी रॉ मटेरियल बनाता है, मतलब मार्केटिंग जो करता है वो गिबॉन न्यूट्रिशन करता होगा इसकी मार्केटिंग। तो एब्सोल्यूट के केस में क्या करता है, न्यूट्रीवेल ही इसका काम करता है। तो न्यूट्रीवेल की मैं वेबसाइट का लिंक डालूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको क्या ओपिनियन लगता है, आपको क्या होता है, मतलब कहाँ से ये चीज़ ला रहे हैं। तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। जब इनकी वेबसाइट में मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला तो मैंने इनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने की कोशिश करी, वहाँ पर किसी ने नहीं इनका कॉल नहीं उठाया। दो बार मैंने कॉल करी, दोनों बार कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस पर्टिकुलर ब्रांड को रीच करूं ये जानने के लिए कि अपना रॉ मटेरियल ला तो ला कहाँ से रहे हैं। उसके बाद अब ये तो थी ओवरव्यू के बारे में, मतलब अभी भी मैं पूरा कंक्लूजन पे नहीं हूँ कि इस पर्टिकुलर, मैं आपको कैसे कंक्लूड करूँ जब मैं ही कंक्लूजन पे नहीं हूँ कि इस पर्टिकुलर ब्रांड को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन लोगों ने छोड़े हैं जिसका आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक। उसके बाद कॉस्ट और फ्लेवर की बात करूँ, कॉस्ट मैंने आपको बता दिया 3500 के आसपास आपको वे पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो, 3500 to 4000 के बीच में, 4000 से 4500 के बीच में आपको वे आइसोलेट पड़ेगा। उसके बाद फ्लेवर की बात करते हैं, मैंने बेसिकली जो दो फ्लेवर टेस्ट करे, एक वनीला है और एक चॉकलेट है, दोनों ठीक है, मतलब इंडियन ब्रांड के हिसाब से एवरेज है, बहुत अच्छा टेस्ट भी नहीं है और बहुत बुरा टेस्ट भी नहीं है। उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, प्रोटीन के केस में क्या होता है, आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, आप सिर्फ टेस्ट और मिक्सिबिलिटी ही जज कर सकते हो, या इसके बाहर जो लिखी हुई चीज़ें हैं लेबल के बाहर उन इंग्रेडिएंट्स को जज कर सकते हो। तो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता दिए क्या क्या थे। उसके बाद अब मैं टेस्ट और मिक्सिबिलिटी की बात करता हूँ। तो जब मैंने इसका टेस्ट किया तो मैंने आपको बता दिया एवरेज है, एक इंडियन ब्रांड से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। उसके बाद इसकी मिक्सिबिलिटी मैं स्पेशली बात करूँगा, वे प्रोटीन के केस में क्या होता है, वे प्रोटीन के केस में इसमें झाग बनता है, मतलब बहुत फॉर्म्स आता है, पर वही चीज़ वे आइसोलेट के केस में नहीं होती है। ये फ्लेवर की वजह से भी हो सकता है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फ्लेवर की वजह से नहीं है, ये इन्होंने वे प्रोटीन और वे आइसोलेट में जो डिफ्रेंशिएट किया है ये उसकी वजह से है। तो बेसिकली मतलब अभी अगर आप मेरे से कंक्लूड करने को बोलो पूरी वीडियो, तो मैं ये कंक्लूड करूँगा कि आप मतलब अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास अभी तक नहीं है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो आप मेरे साथ भी शेयर करिए, और तब आपको लगता है कि प्रोडक्ट लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट वेबसाइट्स का लिंक डाल दूँगा जहाँ से आप ये परचेस कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक कंक्लूजन पर आ पाए हो, क्योंकि मैं खुद कंक्लूजन पर नहीं आ पाया हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश करी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत रिसर्च करने की, पर कहीं से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा वो सारी चीज़ें। इन फ्यूचर कभी मेरे को ये सारे डाउट क्लियर होते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।